नमस्कार, मैं सीए संजीव सोनी आपका स्वागत सीए संजीव सोनी चैनल पे करता हूँ। ये एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स मेरा चल रहा है जो केस स्टडी के ऊपर है, उसमें तीन जो सीरीज हैं वो आ चुकी हैं। ये चौथी सीरीज के अंदर मैंने आपको पिछली बार ये कहते हुए छोड़ा था कि इसमें एक ऐसा टर्न आएगा जो कि इस टॉपिक से आपको जुड़ते हुए कई ऐसे सवाल और ऐसी कई चीज़ें डिस्कस करनी है मुझे, जो आप लोगों को काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगी और उससे आपको आगे आने वाले समय में उसका काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो बात यहाँ तक समाप्त हुई थी कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल कर देती है। अब इस NICPL का जो एग्जांपल हमने लिया, इसका जो डायरेक्टर मिस्टर झा थे, वो ये केस 2005 में जब उनका हुआ, उसके बाद उनके यहाँ जो पता लगा हमें कुछ लॉसेस और बाद में 2007 में, 2009 में, 2010 में, 2013 में शायद उस व्यक्ति को ऐसा पता लगा कि लत लग गई थी क्लेम लेने की, और क्लेम के एंगल से उसने जो है आगे के केसेस में जैसा पता लगा हमें जानकारी हुई कि उन्होंने काफ़ी कुछ एग्जेगरेशंस की हैं उन लॉसेस में। तो जनाब ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास गया, वहाँ पे सारे केसेस को टुगेदर इन्वेस्टिगेट किया गया। ये जो पहला केस हमने आपसे डिस्कस किया NICPL का, जिसमें कि 4 करोड़ और 26 लाख का क्लेम था और अल्टीमेटली 1.38 करोड़ पे सेटल किया गया, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। उसमें सर्वेयर्स को भी बुलाया गया, इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल्स को भी बात की गई, और अल्टीमेटली जो पहले केस की बात हम कर रहे हैं इसको छोड़ के बाकी केसेस में 2 या 3 सर्वेयर्स को उन्होंने चार्जशीट कर दिया। जो पहले केस के सर्वेयर थे 2005 में, उनको उन्होंने विटनेस बनाया, CBI ने विटनेस बनाया, तो वो CBI के प्रोसिक्यूटर विटनेस थे। लेकिन न जाने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसके माइंड में क्या बात आई, उस व्यक्ति ने जब चार्जशीट की इन लोगों के ऊपर और झा के ऊपर, तो उसने लास्ट में तीनों सर्वेयर्स का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए एक याचना वो रिकमेंड कर दिया, और ये रिकमेंड उसने IRDA को किया। लेकिन अब इसमें दोस्तों सवाल ये है कि पहला जो केस है उसके अंदर एक सर्वेयर जो कि फ्रॉड डिटेक्ट करके कंपनी का और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का और देश का 2 करोड़ 48 लाख रुपए बचाता है, जो कि CBI अपने चार्जशीट में लिखती है, और सेकेंडली उस सर्वेयर को CBI अपना विटनेस बनाती है, उसको एक्यूज नहीं बनाती है, वो एक्यूज नहीं है। बाकी दो केसेस में, तीन केसेस में जो सर्वेयर्स हैं वो बिना नाम लिए हम कहेंगे कि वो एक्यूज्ड है। दोनों केसेस में वो 3 या 4 केसेस में एक्यूज्ड है वो सर्वेयर्स, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी कन्फर्मेशंस उसके अंदर कर दी जो कि बिल्कुल ही गलत साबित हुई है। तो दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ गलती CBI से हुई कि उनको इसके अंदर डिफरेंस रखना चाहिए था, बायफर्केशन करना चाहिए था। उस अफसर से गलती हुई जिस अफसर ने ये चार्जशीट लिखी, बिकॉज तीनों चार्जशीट उस अफसर ने लिखी। उस अफसर ने सर्वेयर को तो विटनेस कह दिया, उसको ये अप्रिशिएट भी कर दिया पहले केस में कि उसने ये बचाया है, लेकिन लास्ट में उसने कह दिया IRDA को कि बिल जाके वेरीफाई करने चाहिए थे डिफरेंट पार्टीज़ को, वो नहीं किया इसलिए इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड लैक ऑफ नॉलेज। CBI इज नोबडी टू टेल द एक्सपर्ट दैट ही इज सपोज टू डू दिस और दैट। देर इज ऑलवेज ए प्रॉपर अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी ऑलवेज एग्जिस्ट एंड दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस। सो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो ट्रीटमेंट
डिफरेंट ट्रीटमेंट थी दो सर्वेयर्स के लिए और एक जो पहला सर्वेयर था उसके लिए और बाकी दो के लिए सिमिलर होनी चाहिए थी, वहाँ पे एक गलती हो गई सीबीआई वाले से और उसका ये एक रिजल्ट आया कि IRDNN नोटिस इशू किया, शो कॉज नोटिस तीनों सर्वेयर्स को। और IRDA से यहाँ पे एक गलती हुई, जब उन्होंने तीनों सर्वेयर से बात की, उनको हेयरिंग की उस वक़्त, जो कि IRDA एक गवर्नमेंट एजेंसी है, CBI एक गवर्नमेंट एजेंसी है, शायद ऐसा मानता हूँ कि IRDA ने वहाँ भी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया हेयरिंग के वक़्त। ये इसलिए कह सकता हूँ कि ये बाद में जाके कोर्ट से ये साबित हो चुका है दोस्तों, इसलिए एक सच्चाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर CBI वाले का नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, लैक ऑफ नॉलेज थी, तो उसका उस संस्था के अंदर उनको CBI को अपने एंड पे सोचना चाहिए इस पॉइंट पे। सेकेंडली, चूंकि वो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, तो जो एजेंसी है वो IRDA है। IRDA को जब इस नोटिस को देना था और देने के बाद जब उसने सर्वेयर्स को बुलाया, तो इसको अच्छे तरीके से छानबीन करके उस टॉपिक को समझते हुए, बात का अंदर का टेक्निकल पार्ट समझते हुए, सर्वेयर से बात करते हुए उसको डिफरेंस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। IRDA ने तीनों सर्वेयर्स को लाइसेंस तो कैंसिल नहीं किए, लेकिन उनको कॉशन दिया अंडर ड्यू डिलीजेंस। अब ड्यू डिलीजेंस क्या है? उन्होंने कहा कि आपको ये परचेज बिल या रीस्टेटमेंट के बिल्स वेरियस पार्टीज के पास जाके वेरीफाई करने चाहिए और उनके बैंकर्स के पास जाके, जो कि CBI ने कहा है, वो करना चाहिए। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन अ सिमिलर वे अंडर द इम्प्रेशन, अंडर द प्रेशर ऑफ CBI, बिकॉज CBI इज़ ए प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इस देश में इस एजेंसी के एक व्यक्ति से अगर ये गलती हुई है और उस गलती को सुधारने का मौका IRDA के पास था, जो कि उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया और एक गलत डिसीजन लिया, उनको ये चाहिए था, जो कि बाद में साबित हुआ कि प्रॉपर तरीके से डिफरेंस तीनों सर्वेयर्स में, दो जो सर्वेयर्स एक्यूज्ड हैं और एक जो सर्वेयर्स उसका विटनेस है केस का, उसमें ट्रीटमेंट उनको उस तरीके से करनी चाहिए थी। लेकिन सेकेंडली, इसके अंदर कोर्ट केस हुआ साहब, जब ये नोटिस इशू हो गए, ये वार्निंग इशू हो गई, उसके बाद वो पहला जो सर्वेयर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट नंबर 3165/2016 के द्वारा वो दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया रिट लगाकर, क्योंकि एक सच्चाई के ऊपर हमेशा हर व्यक्ति का अधिकार है उसको लड़ने का, उसको फाइट करने का। ये लड़ाई 2 साल चली दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने, आपको जानकर खुशी होगी, इतना बढ़िया स्पीकिंग ऑर्डर, जो कि 3 अप्रैल 2016 जज राजीव शक्तर के कोर्ट से इशू हुआ है, आप लोग जाइए साइट पे, इस ऑर्डर को देखिए, आपको पूरा एकदम ऐसा लगेगा कि जस्टिस कर लिया उन्होंने। और खुशी की बात ये भी है कि IRDA ने जो पहला ऑर्डर किया था कॉशन करने का, वो भी कोर्ट ने उनको हटवा के और IRDA ने ये डाल दिया कि हम रिकंसिडर करेंगे उसको। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोस्तों ऐसा एक डिसीजन दिया है कि जो लैंडमार्क डिसीजन है, इस लैंडमार्क डिसीजन के अंदर आज मेरा कोर्ट के, इंडियन कोर्ट्स के अंदर इज्जत, उनके प्रति जो एक सम्मान है, वो हज़ारों गुना बढ़ चुका है कि हमारे देश में न्याय मिलता है। दोस्तों, उस सर्वेयर को जो पहला केस जिन्होंने किया था, जो विटनेस थे, जिन्होंने सब काम अपना पूरे ईमानदारी से अच्छे तरीके से किया था, उनको आज न्याय मिला है।
आईआरडीए को इस बात को समझना चाहिए, उनको अपने मंथन करना चाहिए, उनको इस सच्चाई के ऊपर देख के उस डिसीजन को तुरंत से तुरंत अपने एंड पे आगे के लिए स्ट्रीमलाइन स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। दोस्तों, इस ऑर्डर के अंदर एक बड़ी जनरल बात तो जो लिखी है, स्पेशल कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई और आईआरडीए की तरफ से कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। उन्होंने ये कहा कि ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखते हुए, जो कि बहुत बड़ी टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है एक आईआरडीए और सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मैं उनसे यही आगे एक्सपेक्ट करूंगा कि इस गलती को दोबारा होने से बचाया जाए और किसी की लाइफ से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि किसी एक प्रोफेशनल जो बहुत मेहनत के साथ एक प्रोफेशनल बनता है, उसकी लाइफ के साथ एक अपने डिसीजन लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड की वजह से उसका पूरा ज़िंदगी तबाह हो सकती है। दोस्तों, ये तो एक सर्वेयर फाइटर सर्वेयर था, उसने फाइट किया, उसको न्याय मिला। आज पूरा हिंदुस्तान के न्याय के ऊपर उस सर्वेयर का पूरी तरह से विश्वास हज़ारों गुना बढ़ चुका है। एक तो ये बात है दोस्तों। दूसरा, कोर्ट ने आईआरडीए को ये कहा कि आपको ये देखना चाहिए था कि सर्वेयर का इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है और उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ में एक्चुअली क्या आता है, कहाँ तक वेरिफिकेशन आती है। उसने कई तरह के सवाल उनसे किए हैं जिसका कि जवाब आज तक आया नहीं है। आईआरडीए को देना चाहिए और उसके ऊपर मंथन करना चाहिए ताकि आगे किसी भी अनजान और एक ऑनेस्ट और एक अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी जाति या कोई भी एक्सेसेस ना हो। और ये प्रोफेशन अच्छे पढ़े लिखे लोगों का प्रोफेशन है दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद कोई भी सर्वेयर बनता है तो छोटी सी गलती किसी और इंसान से हो जाए तो उनकी तबाही पूरी कभी भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रूल बनाते वक्त प्रॉपर तरह से रूल ड्राफ्ट करके उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। दोस्तों, कोर्ट ने एक बात और कही। कोर्ट ने ये कहा कि सर्वेयर की बदनामी, प्रोफेशनल की बदनामी अच्छी नहीं है, आप उस ऑर्डर को हटाइए वेबसाइट से और ये नया ऑर्डर डालिए कि हम कंसिडर कर रहे हैं। आईआरडीए ने तुरंत माना और उसको किया। और अब नेक्स्ट बात जो कोर्ट ने उनको ये आदेश दिया है टू रीकंसिडर एंड री एग्जामिन एट देयर एंड और टू डिस्कस ऑल्सो, और सच्चाई में जाना चाहिए उनको, सच्चाई यही है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि बात बहुत छोटी है लेकिन बन बहुत बड़ी गई थी। ये शायरी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी बात है कि कहीं तो चला था अकेला एक व्यक्ति, अपनी धुन में चलता चलता काम करता हुआ, उस धुन के अंदर खलल डाली गई और वो मदहोश होके गिर गया। उस व्यक्ति जो कि सर्वेयर, गिरना नहीं चाहिए दोस्तों। ये सर्वेयर प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में डिफरेंट तरह के काम हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डेली नए नए लोगों से मुलाकात होती है, अपने एक्सपीरियंस का जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सर्वेयर प्रोफेशन के अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जो कि आईआरडीए हमारी जो संस्था है उसको देखना चाहिए और ऐसे व्यक्ति उनको रखने चाहिए जो कि ओपन माइंडेड और सच्चाई पे डिसीजन लें, एडमेंसी से कोई डिसीजन ना लें, किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए या किसी को बचाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो, सच्चाई के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर और प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। तो इसके साथ ही कहता हुआ उस टॉपिक को मैं लिंक करता हुआ कि क्या
सर्वेयर जो कि सीबीआई ने गलती की थी, आईआरडीए ने गलती की थी, जिसको कोर्ट ने फटकार दी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन सिविल 3165/2016 द्वारा जो बातें एडवाइस की है या जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो आई ओपनर है पूरी इंडस्ट्री के लिए। उस ऑब्जर्वेशंस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि उसने कोर्ट ने सवाल भी किए हैं आईआरडीए से जिनका आईआरडीए के पास जवाब नहीं है। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि किसी भी सर्वेयर के पास पुलिस और सीबीआई की पावर्स नहीं होती, उसका अपना रोल एक लिमिट में होता है। आप किसी को ये कहते हैं कि उसने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन या जनरल कमेंट है जो कि किसी का भी कहने के लिए कह सकता है, लेकिन क्या वो जो कहा गया ड्यू डिलीजेंस करने के लिए क्या वो पॉसिबल भी है कि नहीं? क्या परचेज और सेल बिल सर्वेयर हर हर पार्टी के पास जाके वेरीफाई कर सकता है और उसके बैंक अकाउंट में जाके वहाँ बैंक में उनके बैंक में जाके चेक कर सकता है? उसके पास ऐसी पावर नहीं है दोस्तों, वो नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा शुरू भी कोई करेगा तो इसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा एक केस के ऊपर। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, किसी पार्टी का काम जहाँ फायर हो जाती है अगर वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का है, तो क्या अगर इस कंडीशन को माना जाए तो क्या सर्वेयर को बाहर की विदेशी कंट्रीज में जाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए बिलों को और उनके बैंकों में जाके बात करनी पड़ेगी देखने के लिए कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई उनको या उनसे हुई कि नहीं हमें? नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हमारा हिंदुस्तानी रूल एंड लॉ भी हमें परमिट नहीं करता कोई भी थर्ड पार्टी जो कि इंटरफेस होके हमें कभी भी एंटरटेन नहीं करेगी दोस्तों। इसलिए ये मैं गुजारिश करता हूँ आईआरडीए से कि प्रॉपर रूल्स नॉर्म्स इनके ऊपर बनाए जाएं और अपने डिसीजन को करेक्ट किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।